आज के आधुनिक युग में जहां सब कुछ बदल रहा है तो अन्नदाता अपनी खेती करने के लिए भी कई आधुनिक और जुगाड़ी तरीके अपना रहे हैं, लेकिन आज भी कई किसान ऐसे हैं जो गरीबी के चलते नए तकनीकी साधनों की उपलब्धता नहीं कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान की जिसके पास आधुनिक साधन संसाधन तो छोड़िए बल्कि खेत जोतने के लिए बैल तक नहीं है। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव रामखेड़ी से सामने आई हैं, जो सिस्टम और राज्य सरकार के दावों की पोल खोलकर रखती है। एक और किसान को समृद्ध बनाने की बात कही जा रही है, वहीं यह किसान अपने परिवार के 5 सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए 1 बीघा के खेत पर अपने छोटे बेटे और खुद के कंधे पर हल रख कर खेत में हल जोत रहे हैं। यह तस्वीरें सुवासरा विधानसभा के रामखेड़ी गाँव की है, जहां मेंबर बंजारा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने खेत में अपने बेटे के साथ कंधे पर हल रख कर खेत को जोत रहे हैं। किसान मेंबर बंजारा का कहना है कि उसके परिवार में 5 सदस्य हैं और कोई काम धंधा भी नहीं है और उसके पास खेत जोतने के लिए बेल भी नहीं है, जिसके चलते दोनों पिता और पुत्र अपने कंधे पर हल रख कर खेत को जोत रहे हैं। मेंबर बंजारा कहते हैं कि किसी न किसी तरह से परिवार का पालन पोषण तो करना ही है, इसलिए इस तरह से खेत को जोत कर तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें अन्नदाता की निकल कर सामने आती है तो सिस्टम पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं और किसानों को समृद्ध बनाने वाली राज्य सरकार की कई योजनाओं पर भी कई सवाल खड़े होने लगते हैं। बेल वगैरह है नहीं और गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले हैं, और दूसरी बात यह है कि हाथ से जोतना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है और ज़्यादा खेती नहीं है, तो फिर भी क्या करें, गरीब लोगों उस हिसाब से धीरे धीरे काम चलाते रह रहे हैं। जमीन तो क्या है, बीघों खान जमीन है, इस ज़मीन में पेट पाल रहे हैं, बच्चा बच्ची का खुद मेहनत कर रहे हैं। सदस्य क्या है, 2 लड़के, 1 लड़का और 1 लड़की है और 1 माँ है, 1 बहन है घर पर, तो यही ज़मीन पर पेट पालन कर रहे हैं। बहुत खुदा के जैसे चल रहा है कारोबार और धंधा पानी चल नहीं रहा है, मजदूरी चल नहीं रही है, क्या खाएंगे घर बैठे बैठे आराम से। कौन सा गांव है ये? गांव रामखेड़ी के रहने वाले हैं।